देखिए अब यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट है ना। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट वो होता है अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, देखो जनरली जो रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, या तो मेन वर्ब ही आता है या तो डायरेक्ट मेन वर्ब ही आता है, यही दो केस होता है। लेकिन अगर ऐसा केस बन जाए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का यूज ना हो, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नाउन आया हो, है ना, या प्रनाउन आया हो, ठीक, या एडजेक्टिव आया हो, या जो है एडवर्ब आया हो, कुल मिलाकर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के अलावा बाकी कुछ भी आया, है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नाउन हो या प्रनाउन हो, प्रोनाउन जिसे कहते हैं, या एडजेक्टिव हो या जो है एडवर्ब हो, तो अनडेट केस, उस केस में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह काम करती है। अब ये क्या बात हुई समझिएगा। देखिए मैं कहूं ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट है, तो अभी आप कहेंगे ही, ये तो सब्जेक्ट है क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है ना। इज, ये जनरली आप ऐसे कह देते हैं ना, दिस इज वर्ब, और ये वो क्या है, स्टूडेंट है, तो क्या का रिप्लाई है ना, यानी कि ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए स्ट्रक्चर मिला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, इज है जो आप देख रहे हैं, इज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, एक्चुअल में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहां पर इज एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है कि नहीं, कैसे, ऐसे। देखिए इज के बाद में मेन वर्ब नहीं, बल्कि हमने क्या बताया, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज होती है, और उस केस में इन सबको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। और वैसे देखो कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट्स से आपका आ जाता है एक शब्द कंप्लीट, तो भाई कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अरे वो है, आप कहोगे क्या है, वो है क्या है, विद्यार्थी है। तो देखो कंप्लीट किया, किसने किया सेंटेंस को, स्टूडेंट ने, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट है ना। समझ में आया, इतना क्लियर है ना। अब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट थ्री टाइप का होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नाउन है तो उसको क्या बोलेंगे, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अगर एडजेक्टिव है तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर एडवर्ब है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अगर प्रोनाउन है तो उसे प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो आप घर पर पहुंचे है ना, और आप थोड़ा ऐसे शाम को देर हो गया, आपने नॉक किया, ठीक है, बापू निकले, और मान लो बापू एकदम मूड में है, वो कह रहे हैं हु इज दिस, है ना, आप भी कह रहे हो इट्स मी, आप भी एकदम कह रहे हो इट्स मी, जैसे जनरली हिंदी में होता है ना, कौन है, आप नाम नहीं बताते, मैं हूं, आवाज से पहचान, मतलब जनरली घर पर यही तो होता है, आप नाम बताते हो नहीं, आप कहते हो मैं हूं, तो मम्मी अच्छा आवाज से पहचान ली, बिटिया है, हाँ कौन, क्लियर है। आप इंग्लिश में पूछे उधर से आवाज है हु इज दिस या हु इज देयर, आपने इट्स मी, है ना, आपने क्या कहा, इट्स मी। एक्चुअली इट्स मी का मतलब होता है इट इज मी। अब बताइए यहां इज एक तरह से मेन वर्ब की भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, तो ये प्रोनाउन है आपका,
तो क्या इसे प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो चाहो तो। बाकी ग्रामेटिकली कहता है बच्चा ये गलत है, इसको तुम स्पीकिंग में बोलो और तुम ग्रामर में काट पीट के तुमको 0/0 कर देंगे। मतलब ग्रामर, देखो ग्रामर का या कोई भी अगर लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का रूल होता है। हिंदी में भी आप रूल देखेंगे है ना, वहां भी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण है देश भर का। हमें तो हिंदी मजा नहीं आता है, इंग्लिश उससे अच्छा तो इंग्लिश ठीक है। ऐसा खतरनाक खतरनाक नाम, क्रिया विशेषण संबंध बोधक शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है ना। ऐसा लगता है कि भाई सब शुद्ध हिंदी चल रहा है ना। जैसे अभी कल मैंने बताया था ये, पता है प्रोसेसिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसंस्करण। ऐसा लगता है कि हाँ लग रहा है कुछ चल रहा है। तो ठीक है, ग्रामर कहता है कि इट इज के साथ में हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, इट इज आई होगा, कहेगा ये भी सही हो सकता है लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी सही होने को किसको, अगर दोनों में ऑप्शन आ जाए तो आप किसको देना, इट इज आई, यानी कि इट इज के बाद में सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो बच्चा यहाँ कॉम्प्लीमेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल सा, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज ना हो बल्कि नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज हो ऑन दैट केस, वो हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब वर्क करता है और इधर में जो भी रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर नाउन है जैसा कि यहाँ ही इज आ स्टूडेंट, अभी देखो थोड़ा प्रशंसा कर देते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है ना। आजकल किसी को ऐसे प्रशंसा कर दो फूल के गुब्बारा। चलो कोई बात नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग्स। यहां पर देखो सी इज ब्यूटीफुल, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल किसके बारे में बताया गया, उसके बारे में, सी के बारे में बताया गया है ना। जनरली देखो मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए लेता हूँ थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा, भाई दुनिया इसी में घूम रही, ब्यूटीफुल हाँ ये सब तो थोड़ा चीजें दिमाग में रहेंगी, जैसे एग्जाम आएगा तुरंत हाँ माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा सर कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं है ना। तो ये चीज होता है, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, इंच किसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब, तो इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट तो है ही लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हम कह रहे हैं सी इज ब्यूटीफुल, सी इज देयर है ना, सी इज देयर वो उधर है ना। तो अभी देखो कहाँ है, उधर। तो जो कहाँ का रिप्लाई कैसे का कब का, यानी कि अ वर्ड डेट इज द रिप्लाई ऑफ वेयर वेन एंड हाउ एज वेल एज वाई। जनरली ऐसा शब्द जो वेयर का रिप्लाई हो कहाँ का, वेन का रिप्लाई हो कब का, और हाउ का रिप्लाई हो कैसे का, वो होता है एडजेक्टिव। जैसे सी इज देयर वो उधर है, वो कहाँ है, उधर है, वहां है, क्लियर है। तो वहां है तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ भाई, जब एडवर्ब है तो स्वाभाविक है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट जनरली थ्री टाइप का होता है, और कॉम्प्लीमेंट को हमेशा मेन वर्ब के बाद नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं, यही हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली मेन वर्ब का काम करता है, क्लियर है। अब जनरली एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है तुम लोग को, दो झटका या रहन बता पाओगे, देखो हाँ एक झटका लगने वाला है, क्या कितने बोल्ट का, 11,000 बोल्ट। देखो यहाँ पर ध्यान देना, झटका उटका कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर दिमाग लगाओगे तो बता लोगे। मैं कहूं ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, इसमें कौन सा टेंस है, अब कुछ तो भाई एकदम फांसी लगा लेंगे, अबे ही इज अ मैन इसमें कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, 12 टेंस है ना, 12 टेंस में से कौन सा टेंस है ही इज अ मैन बताइए, और रीजन भी बताना होगा। अगर आप लोग बता लिए तो इस पर 100 रुपये इनाम, 100 रुपये जीत लो सुबह सुबह। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक रिप्लाई आया भाई प्रेजेंट, और बताओ 100 रुपये जीतना है कि नहीं, ही इज अ मैन, आप तुक्का लगा दो, 12 टेंस से 12 लोग तो हो नहीं,
देखो मत हारे या मैं अभी लड़ाऊंगी। अच्छा अभी 100 रुपए जीतोगे, चलो देखते हैं कौन जीतेगा। 100 रुपए हार गए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। गलत है, दिस इज प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। तो क्या बताया मैंने? कंटीन्यूअस बोली हो। कंटीन्यूअस बोली हो बच्चा, ये आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंस क्या है, देखो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस वाला है ना, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस वाला ही तो है। कहां इज है? अरे तो इज एस या एस वाला है ना। एक्चुअली इसका फॉर्म चलता है, देखो कैसे चलता है, बी वाज बीन, ठीक, बीइंग और इज है ना, ये इसका फॉर्म चलता है। तो ये फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया, बस प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। 100 रुपये हार गए भाई, देख लो ऐसे ऐसे हारते हैं लोग 100 रुपये है ना। चलो अभी क्लियर है ना, समझ में आ गए, इसे लिख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर अगला रूल है कि एडवर्ब जो होता है, देखो एडवर्ब क्या होता है, पहले ये चीज समझ लो। देखो होता क्या है बच्चा, यहाँ पर एक टॉपिक होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज एडवर्ब, नहीं वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन, नेक्स्ट कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी क्या लिख रहे हैं, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन। अब इसको ऐसे समझो है ना, 8 लोग हैं और नाउन या प्रोनाउन का इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब है एडजेक्टिव, है ना, मतलब नाउन या प्रोनाउन के डॉक्टर कौन है, एडजेक्टिव है ना। और बाकी इधर देखो वर्ब, ठीक, एंड इधर कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनके डॉक्टर कौन है, एडवर्ब है, समझे। अब मान लो देखो ऐसे समझो, 8 लोग थे, पहले का नाम क्या है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की अगर तबीयत खराब होती है तो ये किसके पास जाते हैं, एडजेक्टिव के पास, मतलब इन दोनों के डॉक्टर कौन है, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव कौन होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। मान लो अगर डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई तो भाई यार देखो ये मत कहना कि डॉक्टर की तबीयत खराब नहीं होगी, वो डॉक्टर है उनकी तबीयत कैसे खराब, अरे वो भी इंसान ही है। तो अगर डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई यानी कि एडजेक्टिव की तबीयत खराब हो गई, ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे बड़े वाले डॉक्टर के पास ना। अरे रियल लाइफ में यही तो होता है, जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपने से बड़े वाले डॉक्टर के पास जाऊँगा जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, या अपने छोटे वाले डॉक्टर के पास, बड़े वाले। तो ये डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हुई तो ये चले जाते हैं किसके पास, बड़े वाले डॉक्टर के पास, एडवर्ब के पास, समझे, है ना। तो मतलब एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, जो वर्ब के बारे में बताए, जो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में बताए। अब प्रश्न है, मान लो बड़े वाले डॉक्टर की तबीयत खराब हुई तो क्वेश्चन आता है ना, ठीक है नाउन या प्रोनाउन के डॉक्टर साहब हैं एडजेक्टिव, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव, है ना, और इधर बाकी सबके बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। छोटे वाले डॉक्टर की तबीयत खराब हुई तो बड़े वाले डॉक्टर के पास, मतलब एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। मान लो बड़े वाले डॉक्टर की तबीयत खराब हुई तो बड़े वाले डॉक्टर ये इतने बड़े हैं कि अपना इलाज खुद कर दे,
बस केवल ये बताते हैं, देखो यहाँ चीरो है ना, अब सुई लगाओ, ये देख, जैसे एक मूवीज में, कुछ मूवीज में ऐसा रहता है ना, बताते हैं कि हाँ ये पैरासीटामॉल लो, ये लाओ, ये लाओ, इंजेक्शन यहाँ करो, नस यहाँ पर है, ऐसे खोजी जाते। मतलब अगर एडवर्ब की तबीयत खराब होती है तो अपना इलाज ये खुद करते। मतलब जो एडवर्ब होता है वर्ब के बारे में तो बताता ही है, एडजेक्टिव के बारे में तो बताता है, लेकिन खुद ये अपने बारे में भी बताता है। अब ये शायद पचने वाली नहीं बात होगी, आइए पहले एग्जांपल देते हैं, है ना। मैं कहूं रामू, ठीक, रामू इज, हाँ रामू इज अ गुड बॉय, अरे वाह, रामू एक अच्छा लड़का है। तो देखो रामू के बारे में क्या बताया गया, रामू साहब क्या नाउन है, ठीक है। तो देखो रामू के बारे में बताया गया कि ये गुड है, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्लियर है। आप करो नहीं नहीं रामू कैसे, हम हैं यार, रामू थोड़ी है ना, आई एम गुड, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो अभी आई क्या है, प्रोनाउन है, तो अच्छा कौन है, मैं हूं, मेरा कुछ तो नाम होगा, हाँ तो नाम के लिए प्रोनाउन आता है। तो ये भी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब देखो इनकी तबीयत कैसे खराब करते हैं डॉक्टर साहब की, मैं कह दूं आई एम, ठीक, वेरी गुड, अरे अच्छा नहीं यार मैं बहुत अच्छा हूं, तुम परेशान ना हो, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं। तो देखो अभी गुड क्या था, ये बेरी किसके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया, ये इसके लिए आया है ना, मेरे लिए तो गुड आया है ना, मेरे लिए एक ही आएगा, एक ही आएगी। चलो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आई के लिए गुड आया है, यानी कि गुड एडजेक्टिव है, लेकिन कितना गुड है, कितना गुड हो, बहुत गुड, मतलब ये बेरी आया है एक्चुअली एडजेक्टिव के लिए, तो बेरी को क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे ना, क्योंकि एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव के बारे में बताता हो, वर्ब के बारे में बताता हो, क्लियर है। तो ये आपका हो गया एडवर्ब, क्लियर। अब मैं कह दूं सी, इनको दौड़ाते हैं, ठीक है, सी को क्या करते हैं, दौड़ाते हैं, सी रन्स, वो दौड़ती है, कोई पंगा नहीं है, ठीक है सर जी, ये तो कॉमन बात है। मैं कह रहा हूँ अरे यार कैसे कॉमन बात है, सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती। यहाँ पर देखो अभी क्या था, सी सब्जेक्ट है, रन्स इसका काम है, दौड़ती है ना। अब फास्ट किसके लिए है, दौड़ती है, बहुत तेज, तेज दौड़ती, तो तेज ये किसके लिए आया है फास्ट, हाँ ये बताया जा रहा है, दौड़ती तो है, ठीक है, कितना तेज, ये नहीं बताया गया तेज दौड़ती। अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं कितना तेज, 80 के स्पीड से, 90 के स्पीड से, कितना तेज, ठीक है अभी तेज वो दौड़ते। कुल मिलाकर ये फास्ट जो वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हुआ कि नहीं। अब तुम थोड़ा सा कलाकारी और किए, अरे करो, अरे सर जी वो ना बहुत तेज दौड़ती है, तेज की बात तो दूर ही है, बहुत तेज ऐसा लगता फिरेंगी, ठीक है। तो देखो सी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। तो देखिए रन्स क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है ना। अब देखो एडवर्ब के बारे में कौन बता रहा है, वेरी, तो ये भी तो एडवर्ब हो। तो देखो डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपना इलाज खुद किया, एडवर्ब ने क्या किया, अपना इलाज खुद ने किया, लेकिन यार एडजेक्टिव वाले डॉक्टर ने क्या किया, अपना इलाज करवाने के लिए किनके पास है, तो यहाँ बेरी एडजेक्टिव के लिए आया है, इसलिए ये क्या हुआ, एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब खुद के बारे में विशेषता बताता है। तो जो एडवर्ब रूल क्या है, अब ये चीज समझो, रूल क्या होता है कि एडवर्ब जिसकी विशेषता बताए, अब ये तो पता चल गया कि एडवर्ब किनकी विशेषता बताता है, किसकी बताता है, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबका इलाज करता है
एडवर्ब कहता है भाई नाउन प्रोनाउन इनसे दुश्मनी है, इनको ना भेजो, बाकी किसी को भी भेजो, मेरा बहुरूपिया भेज दो, मेरा दूसरा रूप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन को मत भेजो। पूछा गया भैया नाउन प्रोनाउन का इलाज क्यों नहीं करोगे, एडवर्ब बोला नाउन या प्रोनाउन का इलाज करने के लिए एडजेक्टिव्स आप तो हैं, हम क्या करेंगे जाकर। तो मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम एडजेक्टिव करता है, नाउन या प्रोनाउन के अलावा बाकी सबके बारे में बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, सिंपल सा। तो जो एडवर्ब होता है उसको उस वर्ड के आसपास ही रखना है। जैसे हम कह दूं वो उसने बहुत, उसने अच्छे से पढ़ाया है ना, उसने अच्छे से पढ़ाया, तो आप कहोगे, मैं इसको लिखकर थोड़ा सा बता रहा हूं, उसने अच्छे से पढ़ाया, तो देखिए आ का मात्रा पास्ट इंडिफिनिटेंस, ही टाट, टी ए यू जी एस टी, अच्छा आप सी टाट भी कर सकते हो, ठीक है, तो ही टाट, अब अच्छे से, तो देखो ये पढ़ाना के बारे में बताया जा रहा है ना, कैसे पढ़ाए, अच्छे से, तो ये तो वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब, तो एडवर्ब को उसके आसपास ही रखना है, तो ही टाट बेल, अगर कहते हैं उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ही टाट वेरी वेल, क्लियर है, ही टाट वेरी वेल, अभी समझ में आया, ये चीज हो गया। जैसे मैं कह दूं वो तेज बोलती है, वो कैसे बोलती है, तेज बोलती है, तो देखिए सी स्पीक्स तेज बोलती है फास्ट, या फिर उन्हें नहीं, वो जोर से बोलती है, तेज की तो बात ही, जोर से बोलती है, तो सी स्पीक्स लाउडली, सी स्पीक्स लाउडली, तो ये क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब है ना, वो जोर से बोलती, क्यों बोलती है, क्योंकि घमंड है, घमंड किस पर है, अरे वाह, सबको अपनी खूबी पता है ना, भले वो बात अलग करता है कि ये वाला हो, है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ये तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर सीधा आपको ये देखना है कि अगर किसके बारे में बताया जाए,